कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है. It's like don't tell it to anyone, but it can be Karan Kundan. It's like I love you. Two years later, अब मैं इससे डरता हूँ. हम सब इससे डरते हैं. Thank you. Thank so you. Much. सबसे मुझे तो अच्छा लगा कि आपको काउंटिंग आती है फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड. कॉन्फिडेंस लेवल, पर डे लेवल सब ऊपर से जा रहे हैं. योगिता जो है आजकल मुझसे लेट आ रही है, तो मतलब आप सोच लो. I think he just lives right here. I come from far. I woke up at 6. मैं 6 बजे उठता हूँ. योगिता नहीं, I'm just joking. But योगिता आजकल I come at a 7 a.m. shift. What time do you reach at the 7 a.m. shift? 6:30. They're not mad to call me at a 7 a.m. shift. Yeah. But anyway, so बहुत मजे आ रहे हैं. थर्ड सीजन है दिल्ली तो है का. एंड हम लोग द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस थर्ड सीजन इज कि हमें कुछ भी एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वी हैड द सीजन 1 एंड द सीजन 2 टू एस्टैब्लिश ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द यू नो द केमिस्ट्रीज, द फैमिली, एवरीथिंग. सो हम बिल्कुल वी जम्प्ड इनटू द इमोशन. हम बिल्कुल इमोशन में जो है वो घुस गए हैं पहले एपिसोड से. एंड इन माय ओपिनियन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीजन 3 दिल्ली तो है इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स दैट आई हैव सीन. मतलब मुझे लगता था गेम ऑफ थ्रोन्स, बट ठीक है चलेगा. पर इसमें मैं हूँ, मैं लग रहा हूँ ना ड्रोगो थोड़ा सा. सीजन 3 और सीजन 1 जब पहली बार मिले थे हां, तब मिले थे और अब मिले हो, कितने चेंजेस लगते हैं दूसरे की. और क्या ओह गॉड, आई वाज, ये भी दो दिन पहले की बात है. एंड आई वाज लाइक सी आई हैव सीन हिम सिंस लाइक कितनी मोहब्बत है से मैं उनको देखते आ रही हूँ. एंड मैं लाइक डाई हार्ट फैन ऑफ कितनी मोहब्बत है. मैं अभी भी गाना गा सकती हूँ कितनी मोहब्बत है का टाइटल. एंड अभी अभी चलो शुरू हो जाओ. तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल, छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल, आवारगी छाने लगी सांसों में खुशबू आने लगी, हम पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर, कैसे कितनी हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी महाबत है. क्या दिया मेरे को डेब्यू करने के लिए. सो डाई हार्ट फैन. अच्छा गाया, बहुत अच्छा. योगिता बिहानी अगर कोई यहाँ पे म्यूजिक वगैरह है देख रहे हैं तो हमारे पास एक बेहतरीन सिंगर है. तो उन्होंने 11 इयर्स का जब केबज का पोस्ट डाला तो मैंने कहा यार मैं तो मतलब ये अर्जुन पुंज को देख रही थी. एंड ही वाज डूइंग द सिंग विद मी, वी वर जस्ट सो क्लोज एंड आई वाज नोटिसिंग हिज ब्लैक मोन. आई वाज लाइक आई कांट बिलीव मैं यहाँ बैठी हूँ. और फर्स्ट डे तो आई कुडंट इवन लुक एट हिम. आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ. हम लोग मीटिंग में थे एक तक मैम के कैबिन में, सब इतनी बड़ी सी. तो मैं बिल्कुल लास्ट मिनट एंटर हुआ था शो में. आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. एंड सो आई थिंक जो फाइनल मीटिंग होती है ना, तो मुझे मैम का फोन आया कि लिसन कम टू द ऑफिस, आई हैव समथिंग. मैं गोवा से आया था पूरा ऐसे, मतलब टैन वैन होके, भैंस का बच्चा बन के, और एक महीने से गोवा में था शूट कर रहा था. एंड आई केम एंड मैं ऐसे एंटर कर रहा हूँ, वहाँ पे इतने सारे मतलब लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे एक्टर्स. ये एक कोने में छोटी सी क्यूट सी एक यू नो बैठी हुई है. एंड देखते मैम लाइक ये शो है और अभी जाना है, अभी मतलब रात को 1:30 बज रहे थे और अभी जाना है प्रोमो शूट करने मेरे साथ. तो ये सो आई थिंक 3 days बिफोर द मीटिंग मुझे हमारे शो में कोई और फाइनलाइज था, समथिंग थिंग्स हैपेंड एंड देन माई क्रिएटिव कॉल कि यू नो हमें शूट डेट्स जो हैं वो पोस्टपोन करनी पड़ेगी बिकॉज वी आर गेटिंग समवन एल्स ऑन बोर्ड. आई सेड ओके हु इज इट, एंड शी लाइक डोंट टेल इट टू एनीवन बट इट कैन बी करन कुंदन. लाइक आई लव यू, डोंट डू दिस टू मी. सो क्यूट. आई वाज लिटरली लाइक दिस एंड आई वाज
so happy because you know इतना आपका favorite show आप किसी को बचपन से देखते आ रहे हो और मतलब घर आने के बाद गुमराह देखना कितनी मोहब्बत तक देखना रोडीज देखना एंड देन यू सडनली लाइक शूटिंग विद हिम सो फॉर द फर्स्ट मंथ आई वाज स्कैर्ड मैं थोड़ा डरती थी इनसे डरती तो कुछ नहीं पहला फर्स्ट मंथ तो मैं इनसे बहुत डरती बिकॉज ही वाज लाइक अ सड़ू ऑन सेट मतलब ऐसे दैट्स हिज फेस तो आप कैसे आप किसी के साथ ऐसे मिंगल करने का सोचोगे ना तो आई यूज टू बी रियली स्केयर्ड ऑफ हिम मैं बहुत डरती थी मैं बोलती थी कि ठीक है और मेरे सीन्स इनके साथ ऐसे होते थे शुरू शुरू में फर्स्ट सीजन में जिनमें मुझे इन पर चलाना है यार मैं वैसे इस इंसान से डरती हूँ और मैं पहली बार शूट कर रही हूँ मुझे इन पर लाइक मुझे इनको क्या क्या नहीं बोलना है मेल चौवनिस दिस दैट ये वो तुम वो जो मैं जनरली लाइफ में किसी को नहीं बोलती कट टू 2 years लेटर अब मैं इससे डरता हूँ हम सब इससे डरते हैं बट आई थिंक इट्स मी मेरा तो इतना नहीं हुआ होगा बट आई हैव सीन मैंने योग्यता को चेंज होते हुए देखा है ग्रो होते हुए देखा इवॉल्व एक्चुअली होते हुए देखा है एंड यू नो हर सिंसेरिटी हैज़ बीन रियली रियली गुड सुनती है सबकी और अलग तरीके से रिस्पेक्ट करती है आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज विच प्रूव्स दैट शी इज अ वेरी वेल ब्रॉट अप किड इन 3 seasons शी इज चेंज्ड हर लुक हर एक्टिंग हर यू नो प्रोफेशनलिज्म एवरीथिंग शी इज या यू मेड इट मेम यू मेड इट क्वाइट क्लियरली क्वाइट क्लियरली हमें काफी मालूम है इसके बारे में बहुत ज्यादा ओहो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है करण से सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है कि हार्डवर्क और अपना 100% देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अब और आई थिंक आई एम रियली ग्लैड कि मेरा फर्स्ट सीजन मैंने जो फर्स्ट शो किया वो आपके साथ और मोजू सर के साथ किया बिकॉज वो जो प्रिंसिपल्स जो आप हमेशा जब आप हाँ जबकि स्कूलिंग है आप जो चीज़ें सीखते हो कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट ही वुड एंटर द सेट वो हर चीज़ देखते हैं कि शॉट में अगर क्लॉक का टाइम गलत है या फिर अगर ये चीज़ हो रही है तो ये कैसे हो सकती है वो बहुत यू जस्ट डोंट हैव टू कम एंड डिलीवर योर लाइन्स देर आर 100 अदर थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक अबाउट एंड सी कि यार ये चीज़ गलत है ये कैसे होगा इसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या है इवन अगर आप कोई सीन आप सीधा 22nd एपिसोड पर आ गए हो आपने बीच के 2 episodes शूट ही नहीं किया बिकॉज नाउ इट्स वेब तो द कंटिन्यूटी एंड मूड क्या होना चाहिए इससे पहले क्यों ये हुआ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ सो आस्किंग द क्वेश्चंस मतलब आपको क्वेश्चन पूछना कितना ज़रूरी है वो मैंने इनसे सीखा है क्वेश्चनिंग योर सेल्फ क्वेश्चनिंग योर डायरेक्टर डजेंट मैटर लाइक इट्स यू हैव टू टेक योर रिस्क सो वो प्रोफेशनलिज्म एंड हाउ ये इतना पता नहीं कैसे करते हैं मैंने सी हिम ही इज डूइंग 100 things हजार चीजें करते हैं सबको अच्छे से करते हैं सब कुछ मैनेज करते हैं एंड इट्स ग्रेट मैं ना योगिता का अपना पीआर रख रहा हूँ सुनो ये मार्केटिंग वाले जो है ना मैं उनको बोलूंगा इसको लेके जाए मेरी मीटिंग्स के लिए बट थैंक यू दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू ओह वाओ ओके आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ पेशेंस फ्रॉम योगिता और जैसे कि बताती है क्योंकि मैं हजार चीज़ें एक साथ कर रहा होता हूँ और एक मतलब बहुत ही रोबोटिक टाइप हो जाता है बिकॉज यू नो बिकॉज यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू बी एन एक्टर एंड टू मेक इट योर बट योगिता एक बहुत ही सिंपल तरीका है लाइफ को जीने का और हर चीज़ को देखने का और मेरा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है तो मैं कभी कभी यू नो किसी और से भी बात कर रही होती कुछ ऐसी चीज़ें बोल देती है जो कि मेरे को ऐसे स्ट्राइक कर जाती है और फिर मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैं हमने इतना अपने आप को यू नो एक रूटीन में डाल दिया है लाइफ को लेके यू नो अपने करियर को लेके रिलेशनशिप्स को लेके पेरेंट्स एवरीथिंग एंड यू फॉरगेट द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ एंड यू नो दैट इज़ वन थिंग अबाउट हर दैट शी इज़ वेरी सिंपल एट हार्ट you know and that I learn a lot from her that way and you know there are other things you know ye isko lagta hai ki main work hard karta hu mereko lagta hai ki ye work hard karti hai so there's a lot that I think I have learned a lot from her as well lastly ye to main happy ending hogi ye to hame nahi pata ye to pata nahi kyunki hame laga tha season 2 mein happy ending hogi hame laga tha ki season 2 mein hame bulaya gaya हम मतलब जाके दूसरे शो शूट कर रहे हैं मुझे एक दिन के बोला आज भी थोड़ा आओ तुम्हारा एक्सीडेंट करा दे आओ तुम्हारा एक्सीडेंट सीजन 3 की तैयारी है सो आई थिंक सी दिली तो है इज नॉट अबाउट अ हैप्पी एंडिंग दिली तो है कि कैरेक्टर्स इतने ब्यूटीफुली इवॉल्व किए गए हैं कि उनकी जर्नी ही सब कुछ है यू नो आई थिंक
Every season it's a different show altogether. You know, first season is different, season two is completely different, season three to bhi matlab mind blowing alag is different hai. So aur ye cheeze jo fairy tales hoti hai na ki happily ever after, ye real life mein nahi hoti hai. रियल लाइफ में, रियल कपल्स में, रियल लव में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हर स्टेज में. मतलब पहले, उसके बाद सेकंड, फिर शादी के बाद, फिर बच्चों के बाद, बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं. आई थिंक वही हम दिली तो है में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. आई थिंक द डे दे फेल इन लव पलक एंड ऋत्विक, हैप्पी एंडिंग तो वही हो गई थी. अब ये रियलिटी वो हमने थोड़ा सा स्प्रूस अप कर दिया थोड़ा सा. थैंक यू.